गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बनारसी सिल्क जो साड़ी आती है उसका रिव्यू करने वाली हूं, जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय की है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय की है गाइस, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन आने वाली है तो जो लोगों को वेडिंग के लिए चाहिए वो लोग ले सकते हैं। इवन ये सेम टू सेम ब्रांड आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, दोनों जगह पे होती है। जहां पे प्राइस कम दिखे वहां से ले लीजिए। सिल्क साड़ी का बोलूंगी तो क्वालिटी बहुत अमेजिंग आती है। इसके पहले मैंने बहुत सारे सिल्क साड़ी के रिव्यूज किए हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के, तो सारी की सारी मुझे तो अच्छी ही मिली है। और सबकी जो बाइंग लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और मेरे चैनल पे आपको हर टाइप्स के हॉल्स देखने को मिल जाएंगे, आपको जो देखना है मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके इतना शेयर कीजिएगा। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो गाइस, सबसे पहली जो साड़ी है वो इस तरह की है। आप जैसे देख रहे हो, मैं आपको पूरी खोल के दिखाती हूँ। रेड कलर की है, ब्राइट रेड कलर की, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी है। मुझे पर्सनल ये बहुत पसंद आई है, वेडिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपके खुद के वेडिंग है या आपके घर में शादी होने वाली है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, वो टाइप की है। तो हम पल्लू से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इसके पल्लू की बात करते हैं तो इसका पल्लू ऐसा है ग्रीन कलर का, और पूरा अंदर देखोगे तो गोल्डन प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगी। पल्लू में साइड में हम देखेंगे तो ऐसे टैसल आपको देखने को मिल जाएंगे। दूर से देखते हैं तो इस तरह का है, पूरा ग्रीन कलर का पल्लू है, हैवी पल्लू है, बहुत ही प्यारा लगेगा पहनने के बाद। रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये जो है वो फिर पल्लू के बाद साड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ पे देखते हैं तो ब्रॉड गोल्डन बॉर्डर है, मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पिंक ग्रीन आप देख सकते हो इस तरह क्या है, वो इसके अंदर जो वो है वो गोल्डन कलर की, बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद, और ज्यादा अच्छी लगेगी इस तरह के। और ये बनारसी सिल्क साड़ी जो, ये सिल्क साड़ी जो है वो है, इसका ट्रेंड जो है गाइस कभी जाता नहीं है। आप कभी भी पहन लो इसको, 5 साल बाद पहनो, 10 साल बाद पहनो, तो भी ऐसा के ऐसे ही रहता है। तो आप ले सकते हो, इसका ट्रेंड कभी नहीं जाएगा, पूरी ऐसी है। मुझे ये वाली बहुत पसंद है, इसके साथ आप अगर गोल्डन ज्वेलरी पेयर अप करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। इसकी प्रिंट जो है वो बहुत ही प्यारी है, छोटी छोटी प्रिंट है, इसकी वजह से इसका लुक ज्यादा अच्छा आता है। और ये इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है गाइस, इवन आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हो, वो टाइप का है इसका फैब्रिक जो है वो। तो मुझे पर्सनली ये वाली बहुत ही पसंद आई है, पूरी ऐसी है। और इसके ब्लाउज पीस की बात करते हैं गाइस, तो इसके ब्लाउज पीस इस तरह का है, जो कलर का पल्लू था ग्रीन कलर का वही कलर का इसका ब्लाउज पीस है, कॉन्ट्रास्ट कलर का, तो इसकी वजह से इसका लुक जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा। और ये भी सिल्क का ही है, आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ, इसका लुक इस तरह है। ब्लाउज पीस भी काफी बड़ा है तो हो जाएगा, बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा। साड़ी की मतलब की बैक साइड देखते हैं तो बैक साइड इस तरह की है इसकी, और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। आप इसको कॉन्ट्रास्ट कोई, अब तो जो क्रॉप टॉप्स आते हैं, रेडीमेड ब्लाउज आते हैं, उसके साथ भी पैरअप करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने किया है ट्रायल में भी, आप देखिए। और वो ब्लाउज पीस भी मैंने जो, मतलब कि ब्लाउज है वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मैं ट्राई ऑन करती हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये वाला कहाँ से लिया, तो इसका मैंने ऑलरेडी हॉल किया है। फिर जो ब्लाउज पीस है रेड कलर का वो इस तरह का है, ये पूरा रेडीमेड है, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है गाइज, और मतलब कि फुली स्टिच है, अंडर 500 में मुझे मिला था, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी बाइंग लिंक भी आपको मिल जाएगी, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। अगर आप इस टाइप का ब्लाउज पीस ले लेते हो तो बहुत सारी साड़ीज में चला जाएगा, तो आपको अलग से स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा। मैंने भी इसका स्टिच नहीं करवाया है, मैं यही पहन लेती हूँ। क्लोजअप में देखोगे तो ऐसी गोल्डन गोल्डन आपको यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी जो है टिक्की वगैरह जो बोलते हैं वो देखने को मिलेगा, और अंदर से भी इसका फैब्रिक ऐसा है, मतलब कि स्ट्रेचेबल है। ये फ्री साइज है, इसमें आई थिंक एक ही साइज आती है, यहाँ पे पाइपिंग है, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप कोई भी लहंगा के साथ भी पैरअप कर सकते हो, साड़ी के साथ भी पैरअप करोगे, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही स्ट्रेचेबल है।
तो हो जाएगा, डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल तक भी हो जाएगा और आगे से भी ऐसे डार्ट्स वाला है। तो ये आप इसके साथ कर सकते हो या और किसी के साथ भी इसको वेयरअप कर सकते हो, तो मैं तो यही करती हूँ। तो आप ऐसा एक ब्लाउज ले लीजिए तो और किसी में चला जाए। बाद की जो साड़ी है गाइस इस तरह की है, ये साड़ी भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये वाली। ये भी आप वेडिंग में, रिसेप्शन में, इवनिंग फंक्शंस में पहन सकते हो। डार्क रॉयल ब्लू कलर की है और पिंक गोल्डन कलर की अंदर मिक्स प्रिंट है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। तो मुझे ये वाली बहुत ही पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है पूरी साड़ी, मतलब कि अच्छी है। ब्लाउज पीस भी इसका इतना ही अच्छा है, इसका पल्लू भी इतना ही अच्छा है। इसका पल्लू देखते हैं तो इस तरह का है, पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का। अंदर देखोगे तो इस तरह की गोल्डन, मतलब सेल्फ वूवन प्रिंट जो बोलते हैं वो है। क्लोजअप में देखिए, देखिए आप, इस तरह का लगता है और दूर से हम देखते तो ऐसा लगता है पूरा पल्लू, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके बाद जो है वो साड़ी स्टार्ट होती है, ऊपर देखते तो ऐसी गोल्डन बॉर्डर है, बीच में देखेंगे तो ऐसी प्रिंट है पिंक एंड गोल्डन की, इस तरह की क्लोजअप में इस तरह का लगता है। बहुत ही पीकॉक एंड बर्ड्स की प्रिंट है, एनिमल प्रिंट भी बोल सकते हैं वो टाइप के। पीछे की तरफ देखेंगे तो ऐसा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिली थी ये साड़ी भी मुझे, और बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है। इसका मटेरियल भी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी मोटा वाला नहीं है कि फूला फूला रहेगा और आप जो है वो बहुत ही मोटे दिखेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये भी बहुत ही अच्छी है, रेड वाली भी बहुत ही अच्छी। इवन सिल्क का कलेक्शन आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे गाइस तो बहुत अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा, मुझे तो पसंद आया है। अभी तक एक भी ऐसी साड़ी नहीं निकली है, रैली शायद एक दो होगी, या बाकी मुझे सिल्क की तो सारी पसंद आई है। लंबी भी है तो आपको प्लेट्स भी परफेक्ट आ जाएगी। और ये जो है वो ब्लाउज पीस है, इसके साथ भी मैंने दूसरा रेडी टू वेयर वाला मतलब ब्लाउज पीस लिया है, तो ये वाला मैंने स्टिच नहीं करवाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी एक वो भी ले लोगे आप तो सभी में चला जाएगा, इस तरह का है, मिक्स एंड मैच कॉन्ट्रास्ट करके ये ब्लाउज पीस है इसका। यहाँ पे बॉर्डर दी गई है ये गोल्डन वाली, जो आप स्लीव में डलवा सकते हो, और पूरा प्लेन है ऊपर से नीचे तक, और नीचे भी ऐसी बॉर्डर दी गई है तो आप स्लीव में भी लगवा सकते हो, फिर यहाँ शोल्डर पे, यहाँ पे पीछे की साइड भी अपने अकॉर्डिंग कोई पैटर्न करवानी हो तो करवा सकते हो। और इसका फैब्रिक भी सिल्क का ही है और पूरा प्लेन है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी वाला फैब्रिक नहीं है। तो मुझे ये वाली भी बहुत ही पसंद आई है, तो ये भी मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, आप इसको भी डेफिनेटली ले सकते हो। पहनने के लिए मैंने ब्लाउज पीस लिया है, वो इस तरह का है, पर्पल कलर बोल सकते हैं इसको, वो टाइप का। और ये सिल्क का है, इसका नेक देखोगे तो यहाँ पे वर्क है गाइज, और पूरा ऐसा है, पूरा बंद हो जाएगा तो। और यहाँ पीछे देखोगे तो हुक दिया है, तो आपको जो है वो कुछ भी और पहनना नहीं पड़ेगा। अगर अदरवाइज आप लॉन्ग नेकलेस पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, अदरवाइज आपका जो पूरा गला है यहाँ से पैक हो जाएगा। और इस तरह का है, इसका फैब्रिक भी सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है। स्लीव देखते हैं तो स्लीव में भी ऐसे बॉर्डर लगाई गई है, जिसकी वजह से इसका लुक हैवी आता है। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, चुभने वाला नहीं है, दूर से इस तरह का लगता है। इसको आप कोई लहंगा के साथ भी पहन सकते हो, साड़ी इसके साथ भी पहन सकते हो। बैक साइड हम देखते हैं तो बैक साइड में इसका इस तरह का है पूरा, और बटन जो है वो बैक साइड दिए गए हैं इस तरह से, तो देखिए ऐसा शेप होगा और ये बटन्स यहाँ से बंद होते हैं। तो बैक साइड भी इसकी इतनी ही स्टाइलिश है जितना कि फ्रंट साइड है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये भी अंडर 500 ही था गाइज, इसकी भी बाइंग लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप अगर लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, मेरी तरफ से इसको भी यस है। तो बस आज के वीडियो में यही था, और आगे भी अगर आप सिल्क साड़ीज का कलेक्शन देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी वाली देखना चाहते हो, कौन सी साइड से देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है पूरा करने का ट्राई करूंगी। और ये दोनों में से कौन सी वाली साड़ी और ब्लाउज पीस कैसे लगे वो भी नीचे मुझे बताइएगा। तो बस गाइस आज के वीडियो में यही था, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बस अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।